राजस्थान के ऐतिहासिक नगर भरतपुर ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। आज भी वो एक नई लड़ाई लड़ रहा है, साक्षरता की लड़ाई। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान निरक्षरता मिटाने के लिए प्रयत्नरत है और इसे अभूतपूर्व सफलता भी मिली है। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की बदौलत वर्ष 2001 में साक्षरता की दर 64.24% तक पहुंच गई, जो वर्ष 1991 में मात्र 42.96% तक थी। इस सफलता का श्रेय बबली आर्य जैसे स्वयंसेवी को जाता है। बबली आर्य को साक्षरता से जुड़ने की प्रेरणा अपने पति जगदीश आर्य से मिली, जो पेशे से बढ़ई थे। वो बीए तक शिक्षित थे, निर्धन परंतु परिश्रमी। सरकार ने साक्षरता का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, उसमें जो हमारे आसपास निरक्षर महिलाएं ना, उनको आप पढ़ा सको और उनको शिक्षा दान दे सको, आपको समय भी गुजर जाएगा और कुछ ना कुछ देश की समाज की सेवा भी हो जाएगी, और आपको जन्म या चौका चूल्हे तक खट भी ना हुआ। बहुत शर्म है, मैं नहीं पढ़ रही, मेरे पे नहीं होगा ये काम। आप तो बीए पढ़े हैं। मैंने आपको कितना समझाया, आपका जन्म चौका चूल्हे में खट भी ना हुआ। कैसी बावड़ी बात कर रही हो, अगर ऐसे शर्म करती है तो कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओगी। अबे बड़ी बड़ी औरत का पढ़ेंगी बताइयो। अगर हम एक एक को पढ़ाएंगे। जगदीश आर्य नव विवाहित पत्नी को घूंघट और चूल्हे चौके से निकालकर साक्षरता अभियान के संसार में ले गए। जोड़ देंगे, आगे बढ़ती जाओगी, हिम्मत खुलेगी और आप आगे निश्चित बढ़ोगी। पति की प्रेरणा से बबली आर्य वर्ष 1992 में पहली बार एक स्वयंसेवी की ट्रेनिंग के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़ी। संपूर्ण साक्षरता अभियान भरतपुर में जब शुरू हुआ तो पड़ोस में एक प्राइवेट स्कूल में उसमें ट्रेनिंग चल रही थी। मेरे पति को पता लगा तो इन्होंने मेरे को घर से भेजा कि जाओ जाके ट्रेनिंग लो 3 दिन की। महिलाओं को साक्षर करने का कार्यक्रम सरकार ने चलाया है तो मैं वहाँ गई। मैंने वहाँ 3 दिन ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमें 10-10 महिलाओं को साक्षर करने का लक्ष्य दिया गया। तब मैंने महिलाओं से घर घर जाकर संपर्क किया। वो पास पड़ोस की महिलाओं के दरवाजे खटखटाकर उन्हें पढ़ने आने के लिए बुलाती, लेकिन महिलाएं शुरू में कुछ हिचकिचाई और ना नुकर की, पर बबली ने धैर्य से काम लिया। अरे पुष्पा जी जी, किन पे पढ़वे, क्यों ना सब औरत पढ़वे, हम एक तुम्हें ना बताओ क्यों नाम है। हमारे आदमी मजाक करे, बच्चा मजाक करे, जाके भेजे के ना आप मजाक करे, जब पढ़ाई की कहेगी मजाक है, सब औरत हमें आए करो केंद्र पे पढ़वे। निर्धन महिलाओं को शिक्षा केंद्र तक लाना कोई आसान काम ना था। महिलाएं अपनी दिनचर्या से समय न मिलने की मजबूरी का जिक्र करती। उन्हें ये भी लगता कि बड़ी उम्र में कैसे पढ़ा जा सकता है। बबली आर्य अपनी कुछ विश्वसनीय सहकर्मियों को लेकर घर घर जाती और महिलाओं को साक्षरता का महत्व समझाती। महिलाएं अपनी उम्र का हवाला देकर पढ़ने की बात का मजाक उड़ाती। अंत में वो 10 की जगह 25 महिलाओं को लाने में सफल हुई। बबली सब की परवाह किए बिना एक चबूतरे पर ही संपूर्ण साक्षरता की क्लास चलाने लगी। वो महिलाओं को समझाती कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, उन्हें हिसाब किताब और पढ़ाई के फायदे बताती। बबली आर्य की मेहनत बेकार ना गई। महिलाएं उसकी क्लास में नियमित रूप से आने लगीं और जल्दी ही उन्हें साक्षरता का फायदा भी समझ में आने लगा। अक्षर ज्ञान प्राप्त करने आने वाली महिलाओं की संख्या तो बढ़ ही रही थी। बबली आर्य नव साक्षर महिलाओं के आदर का पात्र बन गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता से बबली आर्य को भी अपने काम की सार्थकता का बोध हुआ। साक्षरता स्कूलों में जाके नहीं है, उनने मुझे पढ़ना लिखना बतायो। मैं वहाँ पे गई, मैंने अपने आदमी से पूछी, आदमी ने मजाक उठाई मेरी, फिर भी मैंने नहीं मानी उनकी, मैं पढ़ने ही चली गई।
फिर मैं थोड़ा घना अपना नाम लिखना सीखी, पढ़ना सीखी कुछ। अब मैं किताब किताब पढ़ लेती हूँ, कुछ चिट्ठी उट्ठी आती है तो उसको भी पढ़ लेती हूँ और अपना नाम पता भी लिख लेती हूँ कुछ। पहले बिल्कुल पढ़ो लिखो आ गई ना, और ना मेरे माँ बाप ने वो स्कूल भेजो जो कि मैं पढ़ना लिखना सीख से गई। फिर मेरा ब्याह कर दियो, ब्याह करने के बाद फिर मैं अपनी ससुराल आ गई। ससुराल ऐसी जगह ही, वहाँ कोई मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई महत्व वही ना रखे हो कछु। फिर बाद में पते लगे कैसे ऐसे यहाँ पर एक साक्षरता केंद्र है। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछी तो सबने मतलब कोई कछु कहवे कोई कछु कहवे, मेरे मन में तो पढ़वे की हती। एक बार रोशनी दिख जाने पर कोई जानबूझकर अंधेरे में रहेगा भी क्यों, उन्हें तो अब साक्षरता द्वारा आगे बढ़ने की ललक थी। इसके लिए वो पारिवारिक विरोध सहने को भी तैयार थी। और फिर इनके पास आ जाती, मैं इन पर पढ़ो लिखो सीखी। पीहर वालों ने शादी कर दी, शादी के बाद में ससुराल आ गई। ससुराल वालों ने मतलब सास ससुरों ने बहुत दुख दिया कि ये तो बिल्कुल गंवा रहे। मैं बोली कि अब ऐसे ही हम तो। फिर साक्षरता केंद्र पर आई तो भाभी जी बोली मैं सिखा दूंगी, मतलब इनने किताब लिखा के दे दी, किताब पढ़ी तो ये बोले कि मैं पढ़ा लिखा दिया करूंगी, आप मेरे पास आ जाया करो यहाँ पे घर पे। फिर हम आने लग गए इनके पास तो किताब पढ़ ली। दिन ब दिन नव साक्षर महिलाएं अपनी नजरों में ऊपर उठती गईं और उन्हें अपने अंदर एक नए आत्मविश्वास का आभास हुआ। अब वे खुश हैं, पति देव भी और मैं भी खुश हूँ। अब सब्जी ले चली जाती हूँ, सब काम कर लेती हूँ, वैसे घर का काम सब कुछ। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 2,00,000 लोगों को अक्षर ज्ञान दिया गया। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम भरतपुर में वर्ष 1995 से 1998 तक चला। वर्ष 1996 में बबली आर्य वार्ड नंबर 7 की प्रेरक नियुक्त हुई। अब बबली के जीवन का ध्येय केवल साक्षरता अभियान और समाज सेवा बन चुका था। अब तक बबली आर्य अपने कार्य में पूर्णतया दक्ष हो गई थी। पोस्टरों और चार्टों की सहायता से वो स्वास्थ्य, शिशुपालन और परिवार कल्याण जैसे विषयों को समझाती और निरंतर कुछ नया करने की फिराक में रहती थी और नव साक्षर महिलाओं को पुस्तकों के चयन में भी सहायता करती ताकि नव साक्षर महिलाएं कहीं लिखना पढ़ना भूल ना जाएं। साक्षरता अभियान का लक्ष्य केवल अक्षर ज्ञान बांटना नहीं है बल्कि निरक्षर और निस्सहाय नागरिक को सशक्त करना है, उसे सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग दिखाना है। बबली आर्य जैसे स्वयंसेवी कार्यकर्ता इस अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। समतुलता कार्यक्रम में ये था कि उनको नव साक्षर ही बना के हम ना छोड़ें, उन्हें कक्षा ए स्तर की कक्षा 3 की परीक्षाएं दिलवाएं, ए के बाद कक्षा 5 में की 20 स्तर की परीक्षाएं दिलवा के उन्हें कक्षा 5 में पास कराएं। 5वीं पास करने के बाद सी का भी हमारे पास आने जा रहा है, शायद दिसंबर में वो आ जाएगा, उसका 8वीं का है और उसी दौरान कक्षा 5वीं की परीक्षाएं भी हुई। तो उस टाइम मैंने 5वीं की 5 महिलाओं को परीक्षाएं दिलवाई। आप सभी बहनों का समतुल्य परीक्षा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह में स्वागत। आपने कठिन मेहनत करके बबली प्रेरक के माध्यम से कक्षा 3 और कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसका पुरस्कार वितरण समारोह और प्रमाण पत्र समारोह के द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपसे यही आशा है कि इसी प्रकार लगनशील रहकर आप अपने और अपने परिवार का उत्थान करें, नए नए कौशल सीखें, साक्षरता से आप भी जुड़ें और बहनों को भी जुड़ें। धन्यवाद। बबली आर्य की सहायता से 5 महिलाओं ने बी लेवल यानी कि 5वीं की परीक्षा पास की। ये दूसरी महिलाओं को प्रेरित करने में सहायक सिद्ध हुआ। बबली आर्य निरंतर प्रयत्नशील थीं कि उसके आसपास निरक्षरता का नाम तक न रहे। मॉपिंग अप अभियान में बबली आर्य ने 94 निरक्षरों को साक्षर बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वो बराबर 15-15 दिन के मोटिवेटर ट्रेनिंग कैंपों में हिस्सा लेती थीं
परिणाम स्वरूप वो 125 महिलाओं को साक्षर बनाने में सफल हुई। इसी तरह उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में भी बबली आर्य ने 72 महिलाओं को साक्षर होने में सहायता की। पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने की हमारे पास स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूह जो गठित करते हैं और एक ग्रुप बना के बैंक में अपना खाता खोलते हैं। खाता खोलने के बाद जिस भी सदस्य को रुपयों की ज़रूरत होती है तो उसको रुपये हम देते हैं और जो महिलाएं रुपए लेती हैं उससे अपना रोजगार भी वो लगा रही हैं। एक महिला ने तो 3 रिक्शे इसी तरह बनाए, 5,000 रुपए लिए, एक रिक्शा लिया, उसका चुकाया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। एक महिला को मैंने एसटीडी के लिए लोन दिया था 5,000 रुपए। एक महिला ने अपने पति को ढकेल लगवाई थी, वो बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह उसकी। और एक महिला ने अपना टिकिया भल्ले का काम चालू कर रखा है। अधिकतर महिलाएं मेरे मोहल्ले में जो हैं वो सब्जी की दुकानें चलाती हैं। मैं समझती हूँ कि लगभग 1200 रुपये प्रति माह तो ये ब्याज राशि की। बबली आर्य की सहायता से बहुत सी महिलाओं को जीवन में पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता का एहसास हुआ और ये भी समझ में आया कि साक्षरता समाज कल्याण का महत्वपूर्ण माध्यम है। अब पत्नियों को भी ये सम्मान मिलने लगा है इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कि बल्कि महिलाएं ही बढ़ा रही हैं पुरुषों को आगे। मैं जब केंद्र पर गई तो वहाँ पर हमारी मैडम ने हमको ढोलक बजाना सिखाया, मेहंदी मारना भी सिखाया और वो मैंने थोड़े दिन बाद सीखने के बाद मैं प्रोफेशनल के रूप में ले लिया, इस रोजगार के रूप में ले लिया, जिससे मैं क्या, मैं थोड़े घर वालों से कह के महिलाओं के मेहंदी मारने शादी ब्याहों में भी चली जाती थी और कई बार महिला मेरे घर भी आ जाती थी, जिससे हम कि 50 रुपए दोनों हाथों के ले लेते थे, कभी 100 रुपए भी ले लेते थे, जैसा भी कोई कैंडिडेट आ जाता था उस हिसाब से। फिर मैडम ने कहा कि ऐसा स्वयं सहायता समूह खोलो और उस पर आप ऋण ले लो। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो ऋण ले लेते हैं। तो हमने उस पर ऋण लिया तो उससे हमने एक ब्यूटी पार्लर खोला और जो आजकल हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और वो हमने 10,000 रुपए लिए और हम किस्तों में उसको धीरे 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 चुका भी रहे हैं और हमारी घर की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। उससे हमारे बच्चे भी खुश हैं, हमारे पतिदेव भी खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। हमने ये स्वयं सहायता समूह 93 में चालू किया था, जिससे 20-20 रुपए से चालू किया था। अब हमारे 50-50 हो गए, पहले 10 महिलाएं थी, अब हमारे समूह की 18 महिलाएं हो गई हैं और हम जो आर्थिक रूप में मजबूत भी हो गए, हमारा परिवार भी खुश है और महिलाएं भी खुश हैं हमारे समूह से। बचत खाता खोलने के बाद हमको वहाँ से भी बहुत अनेक तरह की सुविधा मिल जाती है और वो सुविधा हमको मिली उस सुविधा से हमने घर में जमा बनाना है। आर्थिक लाभ अपने आप में एक शक्तिशाली प्रेरक है। भारत जैसे देश में जहाँ निर्धन और पिछड़ा हुआ वर्ग अपने आप को निसहाय समझता है, वहाँ सही मार्गदर्शन न केवल निर्धन नागरिक को आत्मविश्वास प्रदान करता है बल्कि उसे देश की संस्थाओं में भी आस्था रखना सिखाता है। जो 4 औरतें इकट्ठी करती हैं उन लोगों को भी इस चीज से फायदा हुआ तो उनके पास भी पैसा आने लगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा इसी चीज। बबली आर्य ने सतत शिक्षा केंद्र में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने से लेकर दरी बुनने की ट्रेनिंग तक का आयोजन भी किया। ये सतत शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे महिलाओं को साक्षरता कार्यक्रम की उपयोगिता आसानी से समझ आने लगी और उनके परिवार भी उनका साथ देने लगे। शिक्षा मनुष्य को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। बबली आर्य का प्रभाव क्षेत्र ज्यों ज्यों बढ़ रहा था त्यों त्यों वो जिला साक्षरता समिति के मार्गदर्शन से अधिक सामाजिक जागृति के कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने लगी। पोलियो के आतंक से वो अच्छी तरह वाकिफ थीं, इसीलिए पल्स पोलियो के 2 बूंद जिंदगी की अभियान में बबली आर्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में जत्थे तैयार हुए थे तो मैंने वहाँ जाके सबसे पहले जत्थे तैयार किए और गांव-गांव जाके शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया और शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उनमें भी एक टीम गठित कर ली है। कला और संस्कृति के माध्यम से
अपनी बात आसानी से कही जा सकती है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान ने भी इसीलिए कला जत्थों के गठन को साक्षरता कार्यक्रम का ही हिस्सा बनाया। मैं तो बन गई बड़ी होशियार, अब डर काहे को। मैं तो बन गई बड़ी होशियार, अब डर काहे को। पहले तो मैंने पढ़वा सीखा करी थी निरक्षर जनता तक साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जनहित संबंधी संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है नाटक, गायन और नृत्य। सुंदर परिधान पहने राजस्थानी लोक शैली के नृत्य और गायन प्रस्तुत करते बबली आर्य के कला जत्थों ने अपना प्रभाव दिखाया। भरतपुर अपने राज्य राजस्थान में साक्षरता की दौड़ में सबसे आगे निकल गया। वर्ष 2001 की गणना के अनुसार भरतपुर में साक्षरता की दर 64.24% है, जबकि राजस्थान की औसत दर 61.03%। बबली आर्य और उसके पति जगदीश आर्य एक निर्धन परंतु संवेदनशील दंपत्ति हैं। उनकी नजर खानाबदोश गाड़िया लोहारों पर पड़ी। अभाव के जीवन की त्रासदी से वो भली भांति परिचित हैं। भरतपुर में साक्षरता के कार्यक्रम के साथ साथ वो अन्य समाज सेवा के काम भी करते हैं। इन निर्धन परिवारों के जीवन में बबली आर्य एक मसीहा बनकर आई। प्रशासन की दृष्टि में गाड़िया लोहारों का कोई अस्तित्व नहीं था। इतिहास में पहली बार गाड़िया लोहारों के राशन कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने। सबसे पहले हम दोनों पति पत्नी प्रशासन शहरों के संघ अभियान से जुड़े और गाड़िया लोहारों के पास गए और वहाँ जाकर उनसे कहा कि हम आपके राशन कार्ड बनवाएंगे। तो उनको एक अजीब सा लगा कि हमें आज तक कुछ मिला नहीं, जीवन में हमारी सारी पीढ़ियाँ बिना राशन कार्ड के चली गई, तो ये क्या बन पाएंगे। राशन कार्ड नाम की चीज़ को जानते नहीं थे बेचारे वो। हमने उनको प्रसाद एक आदमी को विश्वास में लेके राशन कार्ड बनवाया, फिर धीरे धीरे सब जुड़ गए, उनको सबको राशन कार्ड बनवाया। निर्धन गाड़िया लोहारों के बच्चों को बबली आर्य पहली बार किसी स्कूल में लेकर गई और उनके दाखिले का प्रबंध करवाया। मैं गाड़िया लोहारों के बच्चों को लेके आई हूं, इनका एडमिशन कराना है मैडम। जिन्हें कभी भर पेट खाना भी ना मिला हो वो भला स्कूल और शिक्षा जैसी बातों को क्या समझे, और फिर किसे परवाह थी कि वो समझें। एडमिशन करवाने के बाद हमें लगा कि इनको ड्रेसों की जरूरत है, तो हम सेठों से जाके मिले, तो उन्होंने उनके लिए ड्रेसें दान दी, स्कूल बैग दान दिए। बबली आर्य निस्वार्थ और निश्चल कार्यकर्ता थी। उसकी सहायता को शहर की कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आईं और उन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसा ऐसा हम धूल मट्टी में पड़े रहते थे
और मारे आटा शुगर खा जाते हैं, पानी कुत्ते पी जाते हैं। बबली आर्या जी ने हमारी सुविधा की थी साहब, 5 साल पहले राशन कार्ड बनवा के दिए थे और इनके बाद में हमारी सुविधा की थी, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे और इसके बाद में इन्होंने हमारी सुविधा एक की थी साहब, हमको पट्टे दिलवाए और 1 रुपया हमारा खर्च किया नहीं, अपने पैसे से काम किया है साहब। देश की प्रगति से अछूते रह गए ये बेरोजगारी और गरीबी के शिकार परिवार स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ। बबली आर्य ने महिलाओं को परिवार नियोजन और स्वास्थ्य का महत्व समझाया, असहाय विधवा महिलाओं और वृद्धों को पेंशन दिलवाने का काम भी किया। अपने शिक्षा केंद्र की महिलाओं को परिवार नियोजन और परिवार कल्याण जैसे विषयों में सहायता करने के लिए बबली आर्य प्रदर्शनियां और गोष्ठियां आयोजित करती। इसके लिए हमारे परिवार कल्याण के कई साधन मौजूद हैं। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे कि आप अपने बच्चों के जन्म में 10 साल तक का अंतर रख सकते हैं। उसकी लगन को देखकर अब शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी बबली आर्य की मदद को तैयार थे। आपको प्रतिदिन 1 लेनी पड़ती है और निरोध को लिए नियमित तौर पर उसको उपयोग करना पड़ता है। यदि आप इन साधनों को अपनाएंगे तो अपने परिवार के साइज को आप नियमित तौर से छोटा कर पाएंगे। एड्स जो है ना एक बहुत भयानक बीमारी है। एड्स एक वायरस जिसको HIV एड्स जैसे संक्रामक रोग भारत में तेजी से फैलने का एक मुख्य कारण है रोग के विषय में जानकारी की कमी होना। निरक्षरता और रूढ़िवादी विचारधारा भी जानकारी प्राप्त करने के आड़े आती। बबली आर्य ने बुद्धि की परिपक्वता का परिचय देते हुए एड्स संबंधी जानकारी देने के लिए भरतपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर DD गोयल को निमंत्रण दिया। बबली आर्य की पैनी दृष्टि से पारिवारिक जीवन का कोई पहलू शायद ही छूटा हो। जब ऐसी लगन हो तो समाज की प्रगति कौन रोक सकता है। भरतपुर या यूं कहिए कि पूरे राजस्थान में शायद ही बबली आर्य जैसा साक्षरता का कोई और सिपाही हो। किसी असहाय की आंख का आंसू पहुंचना हो या किसी रैली का आयोजन, वो सबसे आगे दिखती है। चाहे वो मोपिंग अप का कार्यक्रम हो, चाहे वो समतुल्यता का कार्यक्रम हो, चाहे वो पुस्तकालय एवं वाचनालय का कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत अभिरुचि का कार्यक्रम हो, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्यक्रम हो, व्यावसायिक कौशल उन्नयन का कार्यक्रम हो, सभी में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन्होंने अनेकों निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप चलाए, सिलाई प्रशिक्षण कैंप, दरी प्रशिक्षण कैंप इनमें मुख्य हैं। इन्होंने गाड़िया लोहारों के उत्थान के लिए राशन कार्ड बनवाए, उनका पंजीयन कराया, उनके लिए सेठों से और साहूकारों से ड्रेसें और उनके जीवन यापन के लिए धन भी इन्होंने बंटवाया। बबली आर्य निश्चित रूप से अनेकों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर के राजस्थान सरकार ने इनको अक्षर मित्र पुरस्कार से नवाजा और इसी वर्ष सन 2006-07 में बबली आर्य को वीरवाला कालीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। स्मरण रहे यह एकमात्र पुरस्कार है जो किसी महिला प्रेरक को पूरे राज्य में उल्लेखनीय साक्षरता में कार्य करने के लिए दिया जाता है। बबली आर निश्चित रूप से दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। नेत्रदान महादान का जो पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि मैं स्वयं करूं पहले तो, और फिर और लोगों को भी मैं प्रेरित करूं, और 10 फार्म मैंने उसमें भरवाए। आर्य जी, क्या आपने भी नेत्रदान किया है? हाँ जी, हमारे पूरे परिवार में सभी कैंडिडेटों ने नेत्रदान के फॉर्म भर रखे हैं और हम लोगों को प्रेरित करते हैं। संस्थाओं में जब जाते हैं, जहाँ कैंप आंखों के होते हैं, वहाँ भी प्रेरित करते हैं। हमने करीब 20 को और करवा दिया है। एक परिवार और ऐसा मिला जिसकी हमने पूरे परिवार के नेत्रदान करवाया सैनी समाज में। जी, इस सेवा से हमें जो खुशी मिलती है, लोग कहते हैं तुम क्यों इधर उधर डोलती फिरती रहती हो, क्या मिलता है तुम्हें? मैं कहती हूँ कि मुझे खुशी मिलती है, कुछ अपेक्षा नहीं करती मैं,
इसके बदले मुझे कुछ मिले और मैं इसका सारा श्रेय साक्षरता विभाग को देती हूँ और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राज्य सरकार द्वारा सम्मानित और नेत्रदान जैसे महादान के पश्चात भी बबली आर्य और जगदीश आर्य जैसे नम्र किंतु महान दंपत्ति में दंभ या अभिमान लेश मात्र को भी नहीं। निरक्षरता भारत के लिए अभिशाप है, किंतु बबली आर्य जैसी निस्वार्थ स्वयं सेविका इसे मिटाने की शक्ति रखती है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और उनकी सहायक संस्थाओं को इस बात का श्रेय जाता है कि वो बबली आर्य जैसी एक निर्धन परिवार की महिला को बिना किसी लोभ या लालच के एक आदर्श नागरिक बना सके।